एक गाड़ी ये है और अभी जी दूसरी गाड़ी, राणा हरी साहब तुम नहीं इस दफा जा रहे यार, अफसोस की बात। और दूसरी है जी ये, और इसमें राणा मुजम्मिल साहब अभी बैठे हैं, अभी उनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी। जी राणा साहेब रेडी हो? रेडी 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 रेडी। और राणा मुबशिर साहब उधर है। सो गाइस अभी चलते हैं जी, हियर वी गो। सफर थोड़ा सा लंबा है तो सोचा कि कुछ ना कुछ चीजें ले ली जाए। यूरो स्टोर में आए हैं, अभी कुछ चीजें ले ली हैं। और अभी बबल इस ये है बबल, बबल ढूंढते ढूंढते तो एक दो कितनी लें इसमें से यार, चार पाँच छः सात, चल दो बड़ी हैं यार, ठीक है तीन और एक और चलें। इरहा इरहा तुम क्या क्या ले रही हो? वाओ अल्लाह माफ करे, इतनी चीज़ें तबाही हो गई है यार। तो अब करवाते हैं जी इसका बिल। ओहो ये जी हम अभी एंट्री मार चुके हैं लाहौर रिंग रोड पर। यहाँ पे कोई जुर्माना है कि नहीं? नहीं है। 1040 बैलेंस, पता नहीं क्या लिखा हुआ था, बैलेंस रह गया। आ जा। सो गाइस अभी ये जी दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है हमारा इंतजार करते हुए, और अभी जी इनको साथ लेकर फिर चलते हैं आगे। सफर का आगाज हो गया है जी शुरू। राणा मुजम्मिल साहब फुल्ली एक्टिव है। रात के टाइम क्या हो गया यार, यहाँ पे कोई टाइम नहीं था। ये तो पता नहीं 7:30 हुए हैं, लेकिन रात के 3:30 हो गए तकरीबन। और अभी जी इस्लामाबाद की तरफ रवा दुआ है, रिंग रोड पे चढ़े हैं, तो इसके बाद हम चढ़ेंगे M2 मोटरवे पर, वो सीधा डाको डाक नाक की सीध में जाएगी इस्लामाबाद। नेशनल हाईवे अथॉरिटी लाहौर ईस्टर्न बाईपास टूल प्लाजा, यानी कि ये सियालकोट मोटरवे है जी अभी, और यहाँ पे 30 रुपीज का टीका है। ये है जी काला शाह काकू टूल प्लाजा, और अब जी M2 मोटरवे पर हम चढ़ेंगे। M2 मोटरवे का जो है ना बिल, वो अभी कोई पता नहीं क्या सीन है और क्या नहीं। सो अभी चेक बैलेंस 1040 रुपए। हाँ सर। A few moments later. अभी जी हम गुजरात तक पहुंच गए हैं, और साढ़े चार निकले थे, अभी 5:30 हुए, 1.5 घंटे में राणा मुजम्मिल साहब ने हमें पहुंचाया है गुजरात। ये और अभी जी बारी आती है, माशाल्लाह चेक करें आप, दिन बड़ा जबरदस्त चढ़ गया। इस साइड पे सूरज है, बहुत ही जबरदस्त दिन चढ़ गया हुआ है। और बारी आती है जी सैंडविच के, उधर जाके भी खाएंगे, लेकिन हम यहाँ भी खाएंगे बुलबुले मारते हुए सैंडविच। ये आप चेक करें, दिस इज सो नाइस एंड सो डिलीशियस, पत्थर की वालो। सैंडविच मजे का होता, बहुत मजेदार सैंडविच है, कमाल हो गया। द्रे झेलम के नजारे हैं। वो सामने झेलम की छोटी छोटी सी पहाड़ियां नजर आना शुरू हो गई। बड़ी जबरदस्त सड़क है यार, सीधी नाक की सीध में। कलर का हार किया कि झेलम की पहाड़ी का? अच्छा कलर का हार किया। पहुंच गए हैं कलर कहार क्यामत धाम पे। यहाँ पर जी थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगाएंगे और फिर आगे चलेंगे, और मुबशिर भाई भी उम्मीद है कि यहीं पे ही होंगे। हाँ जी मुबशिर भाई पहुंचे हुए हो हमसे पहले। और ये जी हमारा सफर है रवा दवा, कलर का हार में चाय शाय पिए, वॉशरूम वॉशरूम किया है, और अभी जी हम आगे की तरफ चलते हैं। अब जी हम चक्री तक पहुंचे हैं, और चक्री में यहाँ से हम डलवाएंगे जी गाड़ी में पेट्रोल, और इसको फुल करवाते हैं जी।
लें जी 6,300 रुपये का पेट्रोल, जो कि चक्री से डलवा लिया गया और गाड़ी फुल हो गई है। अब जी आगे की तरफ रवाना हुआ, इस्लामाबाद अभी तक नहीं आया। वेलकम टू इस्लामाबाद, ये है जी इस्लामाबाद टूल प्लाजा और हमारी एंट्री हो चुकी है इस्लामाबाद में M-Tech एक्सप्रेस लेन। सो अभी जी यहाँ पे हमें उम्मीद है कि कुछ पैसे भी कटवाने पड़ेंगे और थकावट से हमारा बुरा हाल होता जा रहा है। सो गाइस क्या सीन है, बैलेंस इज 90 रुपीस। 90 यानी हमारे 1,090 रुपए थे और बाकी जो है ना 90 रुपए रह गए, 1,000 रुपए उन्होंने काट लिए। M2 मोटरवे का बहुत आपने एंजॉय कर लिया, वो कह रहे हैं अभी आप 1,000 रुपया जो है ना वो आप दे दें, तो वो जी ऑनलाइन ही काट लिया गया। और अभी जी हम मजीद आगे रवा दवा है इस्लामाबाद सिटी के अंदर देखते हैं, और पेशावर जा रही है सड़क अटक जा रही है और बुरहान इस्लामाबाद रावलपिंडी इधर सही है। सो गाइस इस्लामाबाद की तरफ मोड़ेंगे और आगे से हम चलेंगे जी पहाड़ी इलाके में। हाजा मुजफ्फराबाद बाराको मरी अले वेलकम टू मरी। हाँ जी गाइस एट लास्ट, इतना अभी मोड़ता यार, एट लास्ट वी आर इन मरी जीटी रोड। ये जीटी रोड जा रहा है जी मरी की तरफ और पहाड़ आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत बहुत ही हसीन। अभी आगे चल के आपको और मजीद आपको रास्ते दिखाएंगे, बड़ा खूबसूरत मोड़ है। अभी हम पहुंच गए हैं आर्मी स्कूल ऑफ, यानी कि यार ये जीपीओ चौक है सीधे अल्फाज में मैं आपको बता दूं। सो गाइज अभी यहां से हम आगे कहां जाएंगे कोई पता नहीं, नथिया गली की तरफ जाएंगे, अब्टाबाद जाएंगे, बूरबन जाएंगे, जीका गली जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन राणा मुजम्मिल साहब से हम अर्शाद फरमाते हैं कि ये हमें बताएं यहाँ पे हमने कहाँ खत्म हो गया, अभी कोई पता नहीं लग रहा हमने कहाँ पे जाना है ना। राणा मुजम्मिल भाई हमने आगे कहाँ पे जाना है, अभी तो सही मुझे नींद आई, हम जहाँ को जाएंगे जाते रहेंगे, खत्म हो जाएगा हम। अब्टाबाद नथिया गली बाराको से क्रॉस खत्म हो गया सब, अब देखते हैं कि ये जीपीओ से ये कौन सा रास्ता हमने नीचे वाली साइड को उतारा है। और अभी जी जहाँ पे ब्रेक लगती है वो चीज हम आपको दिखाते हैं और इस साइड के जंगलात चेक करें आप, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी। और ये जी हम खैबर पख्तूनख्वा में आ गए, केपीके में आ गए ना, यहाँ पे केपीके में एंटर हो गए हुए भाई जान। और अभी जी हम देखते हैं कि कहाँ पे जा रहे हैं, अभी नॉन स्टॉप बाड़ियां क्रॉस किया है उन्हें, नॉन स्टॉप जा ही रहे हैं अभी। राणा जमील साहब ये क्या पहन लिया आपने यार, ये तो शिबालू मान गए मार खोर, ये शर्ट पे दिखाएं क्या लिखा हुआ है, ओह क्या बात है। और ये है जी इरहा, ये भी छोटी शिबालू बन गई है। और सर्दी जो है ना गाइस भाड़ गई हुई है, मरी से आगे क्रॉस किया यूबिया वाली साइड पे तो सर्दी काफी ज्यादा होगी, मैं सोचा था कि सर्दी नहीं होगी तो कुछ जैकेट शैकेट ना बूट ना जराबे लेके आया हूँ, लेकिन अभी सर्दी इतनी ज्यादा है। अभी 4 दिन यहाँ पे गुजारने हैं और नॉन स्टॉप हम चलते जा रहे हैं खानसपुर की तरफ। खानसपुर जाके नजारे आपको दिखाते हैं, बहुत खूबसूरत नजारे हैं। अभी तो हमने साइड पे गाड़ी रोकी है जरा ताकि जरा गाड़ी को रेस्ट मिल जाए और थोड़ी सी जैकेट शैकेट पहन ली जाए और बच्चों को भी जैकेट पहना दी जाए। तो ये देखें जी जहाँ पे हम जंगलों में जो है ये रुके हुए छाओं के नीचे, और इधर से जी आप अगर नीचे घसीटा खाते हैं तो नीचे आप मिलेंगे पता नहीं कहाँ पे, और मिलेंगे भी ये भी पक्का कोई नहीं पता कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और इस साइड पे देखें जी ऊपर जा रही है पहाड़ी, ओहो क्या बात है क्या बात। और ये है जी मेन जीटी रोड, बड़ा खूबसूरत। गाइस मंकी इज ऑन वे, ओए पीछे हो भाई, वो देखो ये बिल्कुल ही छोटा लेवल। यार चाय जो है ना बहुत ही जरूरी है, एक स्टॉप लिया है और उसके बाद जी चाय पी रहे हैं। और यहाँ पर जी हम है फुल्ली थकावट नॉन स्टॉप सफर, और बाहर के नजारे मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें क्यों है ना चमेक्सी किस्म के नजारे, ओह शेर ये चेक करें यार आला। एट लास्ट वी आर अराइव्ड एट अवर स्टेशन, और ये है जी होम जो के लिए अभी होम टूर भी होगा, अभी अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि कैसा है, दिखने में तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, व्यू पॉइंट पे है और इधर से नीचे के नज़ारे भी बहुत ख़तरनाक हैं। और बाकी अंदर चल के आपको होम टूर देते हैं, हम अंदर आ गए हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। और राणा साहब ये कमरे की चाबी किधर है यार, वो
किधर छुपा कर, अरे बाप रे क्या बात है, क्या बात है। और अभी जी राणा साहब का दरवाजा खोलते हैं और होम टूर आपको करवाते हैं, और ये बालकनी से आप जो है नजारा चेक कर लें। सुभान अल्लाह, ओहो क्या बात क्या बात। इधर बैठ के ना बंदे ने चाय का कप पकड़ा और साथ ये नजारे व्यू करे, तो मैं कहता हूँ अभी तो हम पहुंचे हैं, बाकी के सशके जो है ना आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाते हैं। अभी जरा थोड़ा सा अंदर से रूम टूर करवा दें आपको। और ये जी रूम खुल गया है, सबसे पहले शीशा यहाँ पे देख सकते हैं। ओहो डाइनिंग टेबल, नीचे कारपेट, जूता लेके हम अंदर आ गए। स्टी स्टैंड, 3-2-1 सोफा सीटर, और टीवी, और ये अलमारी, और यहाँ पर जी वन रूम बेडरूम लिटरली, साथ इसके अटैच बाथ, और ये अलमारी है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंड बेडरूम, दिस इज सोच मिक्सी एंड वॉशरूम भी है यहाँ पे। और ये है जी एक और बेडरूम अनदर, ओहो, और यहाँ पर है जी किचन, क्या बात है क्या बात है। दिस इज अमन, दिस इज फ्रिज, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। हाजा जी, तो गाइज उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखकर मज़ा आया होगा। और हम रात के चले हैं, फिर वो सफ़र इतना सो डिलिशियस था। राना मुजम्मिल साहब ने सफ़र किया, फिर उसके बाद चाय शाय पी, नाश्ता किया, और अभी रूम का टूर भी आपको करवाया। सो गाइज़ ये व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे में। और अभी जी 2 बजे हैं, रात के 2 बजे चले थे, ठीक है, और दिन के अभी दोपहर के यानी 2 बज रहे हैं। सो अभी जी हम यहाँ पे सोएंगे, ठीक है। सुबह के जो नज़ारे हैं वो सारे हमने देख लिए हैं, आपको भी काफ़ी दिखा दिए, उम्मीद है कि इन्जॉय किया होगा आपने। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।